किन्नौर विधायक जगत सिंह नेगी ने रिकॉम्पियो में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 4.5 वर्षों में अब तक केवल एक बार जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक करवाई गई, जिसके बाद अब तक इस संवैधानिक परिषद की बैठक नहीं होने से जिला के कई मुद्दों को सरकार के समक्ष रखने का मौका नहीं मिला है। जानिए आगे क्या कुछ बोले विधायक जगत सिंह नेगी। विधायक ने कहा कि जनजातीय सलाहकार परिषद की वर्ष में 2 बार बैठक होती है, जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, परंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जनजातीय लोगों के साथ भेदभाव कर इस अहम बैठक को नहीं करवाया, जिसके चलते आज प्रदेश समेत जिला के विकास के काम रुके हुए हैं और खासकर जिला के अंदर मुख्य समस्या नोतोड़ FRA जैसे मुद्दों पर चर्चा भी नहीं हुई, जिसके बाद जिला में जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने तो जनजातीय समुदाय के लोगों के हित में काम करती है और ना ही जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देती है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में जनता प्रदेश सरकार को करारा जवाब देगी और सरकार के द्वारा जनता की अनदेखी पर भी जवाब मांगेगी। जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें जनजातीय क्षेत्रों के विशेष जो भी मुद्दे हैं उनको आगे करने के लिए, उसके लिए जो है एक भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत ये जो है जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन होता है और उसका जो चेयरमैन है मुख्यमंत्री होते हैं। और इससे पहले कांग्रेस के समय में जब राजा साहब जो है मुख्यमंत्री रहे, बड़े इसकी मीटिंगें नियमित तौर पर होती थी, इन मीटिंगों में बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे, परंतु जब से BJP की सरकार आई है 2018 में इसका जो है गठन भी नहीं हुआ, 19 में भी गठन नहीं हुआ, 20 में जाके गठन किया और उसके बाद जो है एक मीटिंग सिर्फ 21 में किया। अब 5 साल में 10 मीटिंगें होनी थी, एक कम से कम अगर एक एक मीटिंग भी रखते तब भी चलो 5 मीटिंगें होती, 5 साल में एक मीटिंग हुई है। और हिमाचल के जनजातियों को एक जो संवैधानिक व्यवस्था थी उससे वंचित रखा गया।